दोस्तों जानवरों के बारे में क्या ही बात करें, क्योंकि यार ये कांड करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। लेकिन आज हम आपको अतरंगी जानवरों के साथ साथ उनके कुछ ऐसे मोमेंट्स भी दिखाएंगे जो आपने इससे पहले बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे। तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती। मुझे इतने जानवर की बात करें तो सबके दिमाग में कुत्तों का ही नाम आता है, क्योंकि ये वफादार के साथ साथ बड़े प्यारे भी होते हैं। लेकिन जितने ये प्यारे हैं उतने ही ज्यादा बदमाशियां इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, जो कभी भी और कहीं भी दूसरे जानवरों के साथ भिड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इस कुत्ते को ही देखो, यहाँ पर ये इस डोंकी के खाने पर अपना मुंह मार रहा है और भौंक कर उसी पर दादागिरी कर रहा है। जिसके बाद इस डोंकी की सटक गई और उसने पोजीशन ले ली। फिर क्या था, डोंकी को ऐसी किक पड़ी कि वो खाना वहीं छोड़कर वहां से भाग गया। जिसके बाद इस कुत्ता भाई को पता चल गया होगा कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। ये चोबे नदी की ये वीडियो है जिसे गाड़ी में बैठे कुछ लोगों द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें हम देख सकते हैं कि कई सारे बंदरों की गैंग एक नदी किनारे पानी पीने आई थी। लेकिन तभी मगरमच्छ ने उनमें से एक बंदर को पकड़ लिया और पानी में खींच कर ले गया और उसे डुबाने की कोशिश करने लगा ताकि वो उसे अपना खाना बना ले। लेकिन बबून भी बहुत ताकतवर और स्मार्ट होते हैं, जिसके चलते उस बबून ने अपने सर को पानी के ऊपर ही रखने की कोशिश की। और तकरीबन 20 मिनट बाद जब मगरमच्छ सांस लेने पानी के ऊपर आया, तब बबून अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पानी किनारे ले गया, जहां बाकी की बबून गैंग ने क्रोकोडाइल पर हमला कर दिया और उसे जोर जोर से काटने लगे। जिसके बाद मगरमच्छ को उस बबून को छोड़ना पड़ा और वो पानी में चला गया। इस तरह सारे बबून्स ने मिलकर अपने साथी को क्रोकोडाइल के चंगुल से छुड़ाया और उसकी जान बचाई, जिसके लिए दोस्तों एक जोरदार लाइक बनता है। जंगल से होते हुए अपने घर जा रहा था कि उसे एक हॉल में ऐसा नजारा देखने को मिला। शुरुआत में उसे लगा कि ये कोई बड़े बाल वाला जानवर होगा जो अंदर झुक के बैठा है। लेकिन जैसे ही उसने एक लकड़ी से उसे हटाने की कोशिश की, तब पता चला कि ये वो कोई बड़ा जानवर न होकर कई सारे स्पाइडर्स हैं, जिन्होंने मिलकर कुछ ज्यादा ही बड़ा झुंड बना लिया, जिसे देखकर कोई भी यही कहेगा। ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि बंदर खाना ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो खाना किसी इंसान के हाथ से ही क्यों ना चुराना पड़े। खैर ऐसी क्लिप्स इंटरनेट पर भी काफी वायरल हो चुकी हैं, लेकिन अभी हम आपको जो दिखाएंगे वो और भी ज्यादा फनी है। यहाँ इस बंदर को किसी ने प्लेट में खाना दिया था, लेकिन वहाँ बैठी ये लड़की उस बंदर के हाथ का खाना चुराने की कोशिश करती है, जिसके बाद इस बंदर की रिएक्शन तो देखिए जनाब, ऐसा लग रहा है मानो इससे कोई बड़ी चीज ले ली हो, जिसने सीधे इस लड़की पर ही अटैक कर दिया हो, जैसे कह रहा हो रुक तू इधर आ जरा तेरी तो तो अच्छा हुआ कि लड़की फटाक से वहां से उठ गई, नहीं तो पता नहीं बंदर भाई साहब और क्या करते। यहाँ चीता ने एक हिरण को अपना शिकार बनाया था, जिसमें आपको हिरण बेहोश दिख रहा होगा। लेकिन तभी वहां पर एक लकड़बग्घा आता है और चीते को वहां से भगाता है ताकि हिरण उसे मिल जाए। लेकिन जब हायना ने देखा कि चीता अभी वहां है, तो वो और उसके पास जाकर उसे धमकाता है। लेकिन जैसे ही हायना वापस हिरण के पास आती है, तब हिरन फुल स्पीड में वहां से भाग जाता है, जो कि बेहोश होने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। और आप तो जानते ही हैं, एक बार हिरन भागना शुरू कर दे तो चीतों को छोड़कर ये किसी और के हाथ नहीं लगते, क्योंकि ये सेकंड फास्टेस्ट एनिमल जो है, और ये तो एक लकड़बग्घा था।
दोस्तों, जिस तरह हम इंसानों के लिए सीसीटीवी लगाते हैं, वैसे ही जब जानवरों के लिए सीसीटीवी लगाया गया, तब हमें कई सारे अलग अलग मोमेंट देखने को मिले। एक जंगल में रात को सीसीटीवी लगाया गया जिससे जानवरों की रात की हरकतें रिकॉर्ड की जा सके, और तभी कैमरे में ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ जिसमें हम देख सकते हैं कि एक स्कंक कैमरा के सामने उल्टा होकर नाच रहा है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि कोई जानवर इतनी रात गए कैसे नाच सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि असल में नाच नहीं रहा बल्कि शिकार का सामना कर रहा है। ये जानवर ऐसी हरकत सिर्फ तब ही करते हैं जब ये किसी को डराने की कोशिश करते हैं, और इस कैमरे को देखकर ये भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। पता नहीं कैसे ये इस घर की छत के ऊपर जाकर खड़ी हो गई और आसपास देखने लगी, जैसे ये सोच रही है मैं यहाँ कैसे आ गई। और अब ये नीचे उतरने की कोशिश कर रही है, और काफी देर बाद उस गाय ने आखिर में खतरों के खिलाड़ी बनकर घर के ऊपर से जंप की और नीचे आ गई, जिसमें उसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये छत पर पहुंची कैसे? क्या आपको इसका जवाब पता है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको और बाकियों को सबको बता दीजिए। जनाब को भी तो देखिए जरा। तो दुनिया के सबसे खुशहाल डॉग चिहावा को पेंटिंग दे रहा है, और ये बात सभी लोग जानते हैं कि चिहावा छोटा होने के बावजूद भी बड़ा अग्रेसिव होता है, जिस वजह से ये छोटा डॉन इस कुत्ते पर भड़क गया, और उसका नतीजा तो आपके सामने ही है। जब चिहावा भड़का तब इस डॉगी की तो हवा ही टाइट हो गई और बोलने लगा, सॉरी भाई गलती हो गई। अब मंकी जितने मस्तीखोर होते हैं उतने प्यारे भी होते हैं, वो कैसे ये आप खुद देख लीजिए। इस वीडियो में दिखने वाला ये आदमी रोज अपनी गाड़ी पर इस रास्ते से घर के लिए निकलता है, लेकिन ये बंदरों की गैंग उसे रोज रोकती है और ये सारे इसकी गाड़ी पर चढ़ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्हें स्कूटी पर राइड करना बड़ा पसंद है, और इसलिए ये आदमी भी उन्हें थोड़ा बहुत बाइक पर घुमाता भी है। ये किस तरह से बैठे हैं आप खुद ही देख लीजिए, जो कि बहुत ही फनी और क्यूट लग रहे हैं। लेकिन अभी ये सारे इसकी स्कूटी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि ये आदमी अभी इनका फेवरेट जो बन चुका है। खैर बात कुछ भी हो, ये बंद अब जंगली जानवर कोई भी हो, लेकिन उसका सामना अगर शेर से हो जाए तो बात ही खत्म। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो झुंड बनाकर शेरों पर भी हमला कर देते हैं। यहां पर एक शेरनी बैठी हुई थी जिसे अकेला देखकर हाइनास की इस गैंग ने उसका शिकार करने के बारे में सोचा और चले आए मुंह उठा के। लेकिन शेरनी का सिर्फ आवाज सुनकर ही डर गए, तो सोचो अगर ये अपनी जगह से उठ जाए तो इनका क्या होगा। खैर कुछ जानवर मार खाए बिना थोड़े ना सुनते हैं। अब भाई साहब, बिल्लियों की तो एक अलग ही दुनिया होती है जिसमें उन्हें खुद को पता नहीं होता कि वो क्या कर रही हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये दो बिल्लियां एक दूसरे के सामने चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन इस पहली वाली बिल्ली को पता नहीं अचानक क्या हो गया कि वो इस बिल्ली के सामने लेट गई और अपने पैरों से इसके मुंह पे किक देने लगी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जिसके थोड़े टाइम बाद सामने वाली बिल्ली को समझा कि वो मार खा रही है। फिर क्या था, वो भी